मिथुन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब से शो शुरू हुआ है, शानुदा, श्रेया, विशाल, इन तीनों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की, मैं हमेशा रिजेक्ट कर देता हूँ, लेकिन आज मैं करके रहूँ। मेरी तरफ से एक गाना। ओके, गा। अरे दीवानो, इसे पहचानो, कहाँ से आई ये डॉन, छोटी डॉन, छोटी डॉन, छोटी 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 डॉन। अरे बाप रे, क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग है। इंडिया प्रेजेंटिंग फरीदाबाद की छोटी डॉन आद्या मिश्रा। कहावत है जैसे हम कहते हैं, एज इज जस्ट अ नंबर, और आज इस मंच पे ना ये एकदम प्रूव हो रहा है। हमारे साथ एक कंपोजर हैं जिन्होंने 19 या 20 साल में ये गाने को कंपोज किया, ये गाने को बनाया। हमारे साथ एक सिंगर है जिन्होंने 17 साल में इस गाने को गाया है। वाह, रियली यार, फैबुलस। वंस अगेन, मैं आद्या आपको ये बोलना चाहूंगा कि मेरे लिए एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस था, एक गिफ्ट है कि मैंने इस धुन को आज आपकी आवाज में सुना। क्या बात, ये आवाज आपकी इतनी रिच है, ऐसी आवाज जो है बहुत कीमती मिलती है। बहुत कीमती। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई कुड नेवर इमेजिन कि ये गाना पहले तो तुम चुनोगी, क्योंकि इट्स अ मेल सॉन्ग, इट्स अ मेल रॉक सॉन्ग, इट्स अ मेल रॉक सॉन्ग। इस गाने के साथ फीमेल वॉइस इस तरह लॉक हो सकती है, आई हैड नॉट इमेजिन। काली क्यों छाई,
गाने में एक वर्ड है ना, उसमें कहां से ये फिजा आई, मैं तो कहता हूं कहां से ये आदिया आई। यू आर अ रॉक स्टार। थैंक यू शारदा। गुड, वेरी गुड। थिएटर राउंड में इसने मुझे पान खाते हुए देखा था, तब से इसने मेरा नाम रख दिया पनवाड़ी। और इसने सबके फोन में, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, मेरा नाम पनवाड़ी के नाम से जबरदस्ती सेव करवाया। ये गुंडी नहीं, महागुंडी है सर, मत पंगा लो इससे। इतनी बदमाश है ये लड़की, बाप रे। सर मैं एक बहुत ही शांत जगह से आता हूँ, तूतंग बड़ी एक शांत जगह है, बट जब मैं आद्या से मिला मुझे शोर का एहसास हुआ। पहली टाइम, विशाल का सबसे फेवरेट टाइम है पहली टाइम, और वो है भी उन्हीं के ऊपर। हाँ तो दादा, लेकिन जवाब आपको देना है, ये बताइए कि जब विशाल कश्मीर जाते हैं उन्हें ठंड क्यों नहीं लगती? सुन सुन, तू जिस स्कूल का स्टूडेंट है ना, मैं उसका प्रोफेसर हूँ। सर आप प्रिंसिपल हैं सर? प्रोफेसर प्रिंसिपल जो भी हो। अरे ये तो सीधी सी बात है ना, बी वी शॉल। शॉल, शॉल, विशाल। हम कभी नहीं सोचा कि हमारा नाम विशाल है, हमको खुद नहीं मालूम दादा। चलो आगे बढ़ते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर प्रेजेंटिंग आइडल के उस्ताद कोलकाता वेस्ट बंगाल से शुभदीप दास चौधरी। तोसे नैना लागे पिया सावरे, नहीं बस में अब ये जिया सावरे, मोहब्बत तो एक जाविदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जाविदा जिंदगी है, तुसे नैना लागे पिया सावरे, तुसे नैना लागे पिया सावरे। जुदा हो कभी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आस तू चली आती है, जुदा हो कभी वैसे जिंदा हूँ ऐ जिंदगी,
सी है मुझको ऐसे जीने में कहीं बाकी है पलकों में बन के तू चली आती वंडरफुल. एक अलग माहौल आपने यहां पर बना दिया है. श्रेया, शुभदीप, आज तुम्हारा परफॉर्मेंस वाज नॉट ओनली सिंगिंग, इट वाज नॉट सरगम्स, इट वाज नॉट तैयारी, देयर वाज समथिंग स्पेशल, समथिंग डिफरेंट. मैम, उनका मेलोडी, या हिज मेलोडी हैज दैट पावर कि किसी के दिल में ना वो जगा सकता है वो रूह. शुभदीप, आपकी उम्र क्या है? सर 25. सर, मैं बहुत फ़ख्र करता हूँ आपके ऊपर. जो गाना आपने गाया तोसे ना लागे, जब ये गाना मैंने बनाया था मैं 20 साल का था. वाह, आर यू सीरियस? क्या बात है यार, 20. मेरे फादर एक्चुअली बहुत नामी कंपोजर और अरेंजर है, श्री नरेश शर्मा, मेरे गुरु भी है. मेरा भी भाग्य रहा है उनके साथ गाने का. उनको एक्चुअली श्री मुकेश भट्ट जी ने बुलाया था जहर और कलयुग के जो म्यूजिक है वो रिकॉर्ड करने के लिए. जब पापा उस मीटिंग के लिए गए थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत यंग डायरेक्टर है और एक बहुत यंग गायक है. तो डैड ने कहा कि मुकेश जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे उम्र दराज महसूस कर रहा हूँ, तो सही होगा कि मेरा बेटा जो एक म्यूजिशियन है मैं उसको भेजता हूँ. तो डैड ने मुझे कॉल किया और कहा कि आप इस मीटिंग के लिए जाओ. तो मैंने कहा, डैड मैं नहीं जा सकता, मैं कॉमर्स के लेक्चर में हूँ. तो उन्होंने कहा कि लेक्चर ख़त्म होते साथ आप जाइए. तो मैं इस मीटिंग के लिए गया था और मैं जब उस कमरे में मैंने प्रवेश किया तो मुकेश भट्ट जी थे, महेश भट्ट साहब थे और दो युवक थे जो मुझे हम उम्र लग रहे थे. एक थे 22 साल के मोहित सूरी जो हमारे डायरेक्टर है और दूसरे थे 21 साल के आतिफ असलम जो उस गाने के सिंगर थे. वहाँ से फिर जो शुरुआत हुई, हमने जाके फिर उस गाने को रिकॉर्ड किया और उसके तुरंत ही बाद मैंने तोसे नाना लागे रिकॉर्ड किया. इसका जो मुखड़ा है वो असावरी राग पर आधारित है, तोसे नाना लागे. तो मैंने रिकॉर्ड भी किया है. पद मद पगरे सा सारे गमा. तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी आवाज में हम इसको सुने. सारे गरे जगरे जरे ने जरे रे जने जदा मवदनी जने अबम सने gari gari dani dani gari dani ni dani gari gari dani 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 dani re da re ga ma ba da ni za re ga re za ni da pa ma ga
जब मैंने इस गाने को बनाया कहीं ना कहीं शुभदीप मेरे अंदर एक फियरलेसनेस थी. लोग क्या समझेंगे, लोग क्या सुनेंगे, उसके बारे में उस वक्त नहीं सोच रहा था. जब आपने तोसे नाना लागे का पहला लाइन आपने जब उस सुर लगाया, वो फियरलेसनेस, वो बेबाकी और वो कॉन्फिडेंस मैंने आपके अंदर देखा. क्या बात है. ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लेट है. प्रेजेंटिंग आइडल जिसका परिवार भी है और घराना भी कोलकाता वेस्ट बंगाल से, अनन्या पाल. अनन्या, पिछली बार जब गृह प्रवेश हुआ था तो आपका बहुत ही स्पेशल गृह प्रवेश हम इसे कहेंगे जो हुआ था. एक दूसरे से करते हैं प्यार हम. मैं कभी भी नहीं सोची थी कि ऐसा गृह प्रवेश होगा मेरा. मैं एक्चुअली सिंगल चाइल्ड थी. बचपन से मेरी मम्मी मेरी बहुत क्लोज थी. यहाँ पे आने के बाद आइडल फैमिली मिला, ये सब मिले, बट सबसे ज्यादा अगर किसी से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हुआ है तो वो है मुस्कान, आद्या एंड आद्या की मॉम, क्योंकि ये तीनों मेरी रूममेट हैं. और माँ को तो मिस करती थी, लेकिन आद्या की मम्मी मेरे साथ है तो उनकी वजह से मैं कभी भी, मतलब यहाँ पे मम्मी को मिस नहीं करती हूँ. क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने अपने हाथ से खाना खिलाया मुझे, मेरे हाथ में थोड़ा सा चोट लग गई थी. सो स्वीट. तो ये छोटी छोटी चीज़ मुझे मम्मी की बहुत याद दिलाती है. तो आई लव यू आंटी. सो स्वीट. क्या बात है. अनन्या बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत इमोशनल हो जाती है कभी कभी, पर बहुत जल्दी संभल भी जाती है. और वो जो है ना, बहुत मिस करती है अपनी मम्मी को. उसके साथ मैं हमेशा हूँ. अगर वो मुझे कभी भी चाहेगी तो मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी. चलिए अनन्या, बेस्ट विशेस तो आपको मिल गई है. कौन सा गाना गाने वाली है आप? मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, ये गाना गाने वाली हूँ मैं. इस सॉन्ग को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट म्यूजिक एल्बम, राइट? शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस गाने में आप अनन्या का साथ दे सके पियानो के साथ, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनन्या एंड मिथुन. Thank you.
Thank you, ma'am. Thank you, sir. Big round of applause for Mithoon. Outstanding. What a great song. Today is a very big day for the contestants. Ye performance hit se zyada lit. Well done, well done. Ananya, जैसे तुम्हारा इस परिवार से रिश्ता बन गया है ना, मेरा तुम्हारे साथ कुछ एक अलग रिश्ता बन गया है. बड़ी दीदी कह लो, जो भी कह लो, तुमको वो ऑडिशन के दिन से और ये आज के परफॉर्मेंस में जो तुम जैसे इवॉल्व हुई हो ना, आई एम फीलिंग सो प्राउड एंड बिकॉज यू रियली सैंग ब्यूटिफुली. थैंक यू सो मच. कॉम्पोजिशन में इस गाने की इमोशन इनबिल्ट है, ओके, और वो आपकी आवाज में पूरी तरह से सुनाई दी, ओके. जिस ठहराव के साथ में आपने गाया है आज, दिस इज अ न्यू अनन्या. एंड आई कांग्रेचुलेट यू, ग्रेट एवोल्यूशन. थैंक यू सो मच. बहुत 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 बड़ा काम किया. थैंक यू. ग्रेट जॉब. सच कहूं तो आपके साथ मैं भी वहां पर नर्वस था, क्योंकि आपने जिस जो गाना चुना है, ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये गाने में बहुत आसान है नहीं, स्पेशली दिस सॉन्ग, क्योंकि गाना जितना नीचे है उतना ही ऊपर है. आपका जो बेस नोट है ए फ्लैट माइनर में, बी नोट लगता है वो, और ऊपर क्रॉस एफ शार्प पे जाता है ना, बिल्कुल वो वहाँ पर वो जो नोट लगता है. आप वो अंतरिका क्रॉस मुझे सुनाइए एक मिनट. This beautiful composition. मैं सच में बहुत emotional feel कर रही हूँ, क्योंकि ये गाना ही इतना खूबसूरत है. फिर अनन्या की आवाज़ में सुन के, आपको वहाँ पर पियानो पे बजाते हुए देख के, पता नहीं आज सच में आई थिंक आज का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल होगा हम सब के लिए, है ना. sure, ये गानों का असर ही ऐसा है. थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर अस. थैंक यू अनन्या, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस. प्रेजेंटिंग इंटरनेशनल अवार्ड, इंडियन एहसास, साउथ अफ्रीकन रिटर्न, मैथिली शो. Thank you.
पिछली बार आपने मुझे और अभिजीत को कुछ सिखाया था। ये आएगा। हम तो आपके टेस्ट में पास हो गए। आइए देखते हैं ये टेस्ट में पास होता है शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है। मैम एंड सर, इफ यू कुड प्लीज स्टैंड अप तो थोड़ा बेटर हो, प्रोजेक्शन होगा। तुम लोग कर लोगे ना तो फिर बाद में मेरे को सिखा देना। सिर्फ 5 नोट खोलना है, ई नहीं करना है। वाओ, फर्स्टली मैं इसको गीत के रूप में करता। श्रेया जी, जीऊंगी मैं सदा तेरी खातिर। क्या बात है, सुर रखे हुए। Should try it. Come on, Mepi. होती है मेरे ख्याल से शायद ऐसे ही कुछ मैजिक हो जाता है जो क्रिएट होता है जो हमने यहाँ पर इस वक्त देखा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, रियली थैंक यू सो मच। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन फॉर मैथिली।
जैसे आपने मौला मेरे मौला गाया, जिस किस्म की गायकी इसमें रूप कुमार साहब ने दी है एज अ कंपोजर, उसका जो मूल, उसकी जो पहचान है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मिट्टी से जुड़ा है वो ही इस गाने को निभा सकता है। मुझे लगता है कि वो मिट्टी की खनक आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। थैंक यू सर। आप सिर्फ अपने परिवार का नहीं, सिर्फ अपने दादी जी का नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम आप ऊंचा करोगे। पीयूष ने आज के मिथुन के कंपोज्ड गानों में से सबसे कठिन गाना चुना है। इसके नोट्स बहुत लंबे हैं। आंखें तेरी यहाँ तक लाना है लाइव परफॉर्मेंस में, ये करना कुछ ऐसे बाएं हाथ का खेल था आज आपके लिए, बहुत कमाल। बट अब मुझे इसके आगे एक रॉक स्टार पीयूष भी देखना है, लेदर जैकेट वाला पीयूष भी एक दिन मुझे देखना है। 100%। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।